शहीद बिजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर अब आप देख रहे हैं कि पंच तत्व में विलीन हो चुका है और अंतिम संस्कार हो चुका है शहीद विजेंद्र सिंह का। दहशतगर्दों का कैसे खात्मा किया जाए, हम इस पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज ये तस्वीर जो देख रहा होगा वो गुस्से से भरा हुआ होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और ये जो शहादत है, ये शहादत यूं ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना हो। लेकिन डुमोली कला से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि अंतिम दर्शन हर कोई शहीद के करने जा रहा था। वहां पर पूरा का पूरा गांव तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ, अंतिम दर्शन किए, सलामी दी, सलाम किया, शहादत को नमन किया, और अब पंच तत्व में विलीन शहीद विजेंद्र सिंह हो चुके हैं। नाम सदा सदा के लिए इनका अमर हो चुका है। और जब जब इस घटना का जिक्र होगा तो शहीद विजेंद्र सिंह का भी जिक्र होगा। लेकिन कर्नल देवानंद जी, अपनी बात को पूरा करिए। मैं कह रहा था, तो देखिए ये जिस प्रकार की अग्नि हम देख रहे हैं, ये कोई नया नहीं है हिंदुस्तान हमारे सैनिकों के जीवन का। पर जो मैं बता रहा हूं, अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बंद करेगा तभी ये हमले हमारे, वरना रोज होते रहेंगे। अब पाकिस्तान बंद कैसे करेगा आप बताएं? या तो पाकिस्तान जिस दिन अपने स्वयं टूट जाए और पीओके हमारे पास आ जाए, और या पाकिस्तान में जो इसको पनाह दे रहे हैं उनको डर नहीं लगेगा ना कि अगर पाकिस्तान में आज हमला हुआ तो कल मेरा नंबर आएगा, तब तक ये बंद नहीं होगा। और इसलिए पाकिस्तान में उनके लीडर्स को टारगेट करना पड़ेगा और उनमें दहशत पैदा करनी पड़ेगी, नंबर एक। दूसरी बात, अब पाकिस्तान अकेला नहीं है, आज चीन और दूसरे विदेशी ताकतें हैं, उनके लिए भी भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी मैं देख रहा हूं कई चैनल्स पे, ये राजनीतिक व्यक्तियों को पता नहीं क्या बीमारी है इस देश के अंदर, उनको शहादत के अंदर भी वोट नजर आते हैं। अरे आज के दिन तो शर्म करो तुम लोग, आज के दिन तो ये कहो कि देश एक खड़ा है और हमारी सरकार के पीछे खड़े हैं, और जो सेना करेगी उस पर हम विश्वास करेंगे, और जब तक सेना के कमांडर कोई कार्रवाई नहीं करते तब तक हम चुप बैठे हैं, हमारे मनोबल को कोई चोट नहीं आए। और वैसे बता दूं, आप राजनीतिक व्यक्ति जो पावर में नहीं बैठे, पता क्या है यार कि सेना क्या कर रही है, और सेना इनको बताएगी क्यों, ये बताओ आप। सेना बताएगी भी और बता भी रही है, और वहां पर जिस तरीके से सेना का सर्च भी जारी है लगातार, निश्चित तौर पर नेस्तनाबूद कर रही है इनके जो मंसूबे हैं उनको भी, और साथ ही साथ आतंकियों का खात्मा भी कर रही है। कर्नल